वेलकम टू माय चैनल निशा स्टेनो ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा 24 कॉन्सोनेंट्स। आप सबको पता ही होगा कि हमारे शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 12 वोवल्स होते हैं। तो आज हम सीखेंगे 24 कॉन्सोनेंट्स जो हमारे होते हैं उन्हें हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं, कैसे उसकी आउटलाइंस बनाएंगे, आज हम वो सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा पी। पी पी जो है हमारा लाइट बनेगा। मैं सबके सब वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स के आगे लिख दूंगी कि कौन सा लाइट बनेगा और कौन सा डार्क बनेगा। पी डार्क बनेगा, टी लाइट बनेगा, डी डार्क बनेगा, जे 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 जो है हमारा लाइट बनेगा, जे डार्क बनेगा। नेक्स्ट है हमारा एफ, वी, थ, द। एफ जो है हमारा लाइट बनेगा, वी डार्क बनेगा। नेक्स्ट है हमारा थ, ये हमारा लाइट बनेगा, द डार्क बनेगा। ये हमारे टीएच और टीएच दोनों सेम बनेंगे, लेकिन इसमें लाइट और डार्क का डिफरेंस है और साउंड का डिफरेंस है। जो हमने ऊपर लिखा है ये हमारा थ बनेगा, थ की साउंड है, और नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो द की साउंड है। जैसे थिंक, दे, तो वो दोनों अलग अलग साउंड से हम पहचानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस, लाइट बनेगा, डार्क, श, के, के, एम, एन, एन जी, एल, देखिए जो हमारे सेम कॉन्सोनेंट्स है, जैसे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, जो सेम कॉन्सोनेंट्स है उसमें हम आपको डिफरेंस दे रखा है लाइट और डार्क का। जो सेम नहीं है, जैसे एम हमारा कॉन्सोनेंट कोई और नहीं है, तो हम इसे नॉर्मल बना सकते हैं, लाइट ही बनाओ वैसे आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन जी। एन जी हमें डार्क बनाना है, कभी भी एन जी वोवल कॉन्सोनेंट्स आ रहा है तो हमें डार्क बनाना है। जैसे थिंग, थिंग हम एनजी का बना देते हैं डार्क, ओके। नेक्स्ट है हमारा एल, डब्ल्यू, वाई, वे, एच। ये हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स थे जो हमारे को डिफरेंट, सबसे ज्यादा हमें क्या ध्यान रखना है, लाइट और डार्क का हमें डिफरेंस रखना है इसमें, कि हमारा कौन सा कॉन्सोनेंट लाइट बनेगा और कौन सा कॉन्सोनेंट डार्क बनेगा। ये सबसे ज्यादा हमें ध्यान में रखने की चीज है, जो हमें इसमें ध्यान में रखना है। शॉर्ट हैंड में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें लाइट और डार्क का डिफरेंस रखना है, ताकि हम जब रीड करें शॉर्ट हैंड को तो हम इजीली उसे पढ़ सके, इजीली समझ सके और इजीली टाइप कर सके देख के। इज दैट क्लियर? शॉर्ट हैंड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कीजिए और कभी भी पूछ सकते हैं, कैसा भी डाउट हो आप पूछिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ओके। आज की अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।